हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। आज अपने साथ है ऑल न्यू 2024 सुजुकी एवनिस 125 का अपडेटेड कलर ऑप्शन। अपडेटेड क्यों बोल रहा हूं? देखो, सुजुकी ने एवनिस 125 में चार नए कलर को इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले जो सामने आप देख रहे हैं, ये चैंपियन एलो नंबर 2 कलर है। इसके अलावा भी तीन कलर मिलते हैं। देखो, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। अभी तक आपने नहीं देखा है डिटेल रिव्यू वीडियो, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो सिर्फ फाइनेंस के ऊपर होने वाला है, मतलब मैं बताने वाला हूँ कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे अगर आप फाइनेंस कराने जाते हो, डाउन पेमेंट क्या लगेगा, ईएमआई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है, तो इन सारे के ऑफर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑफर्स के लिए मैम को बुलाना चाहूंगा। मैम, प्लीज एक बार आगे आ जाइए। हेलो मैम, मैम अपने व्यूअर्स को नाम बताइए प्लीज। पल्लवी गोखने। ओके, पल्लवी मैम है। मैम, आप कौन से बैंक से हो? जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से मैम है। मैम, आज ऑफर्स बताने वाले हो, कुछ अच्छा ऑफर्स बताना ताकि व्यूअर्स देखे और आपके पास आके ये सारे मतलब ऑफर्स लेने के लिए कोशिश करे। मैं कॉन्टेक्ट नंबर मैम का दे दूंगा। मैम, सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो नया कलर आया है एवनिस 125 में, इसका ऑन द प्राइस पुणे में यहाँ कितना पड़ता है? 1,17,497 रुपीज। ओके, 1,17,500 के अराउंड इसको ऑन रोड आपका पड़ेगा। मैम, अगला क्वेश्चन आता है, लोग बहुत फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो फाइनेंस कराने के लिए अगर आते हैं इसको तो क्या डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है? दो मतलब ज्यादा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है या कम देना पड़ता है, प्लीज बताएंगे? मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे सिर्फ आधार और पैन, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर सेम एड्रेस का है तो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड। ओके, सिर्फ सेम एड्रेस का है तो आधार और पैन कार्ड में हो जाएगा। मैम, एक और क्वेश्चन आता है, कुछ लोग होते हैं जो पुणे में नहीं रहते हैं फिर भी फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको भी आप फाइनेंस करके दे दोगे क्या? कर सकते हैं। ओके, उनको भी फाइनेंस हो जाएगा। तो देखो, फाइनेंस में आपको डॉक्यूमेंट ज्यादा लग नहीं रहा है, आधार कार्ड पैन कार्ड भी लेके आओगे तो भी आपको ये फाइनेंस होके हो जाएगा। पहला डाउट क्लियर हो गया। मैम, दूसरा डाउट लोगों का रहता है कि इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ता है। मैम, मिनिमम बताइएगा जो आप दे सके, सब कम से कम, लोग का कम से कम पूछते हैं। मिनिमम मतलब देखिए, अगर कस्टमर के डिपेंड ऑन सिबिल होता है, मतलब जो भी डाउन पेमेंट होगा प्लस उनका इनकम भी देखा जाता है। अच्छा, तो फिर भी मिनिमम करेंगे तो भी एक 20,000 कर सकते हैं। मिनिमम 20,000 पकड़ के चल सकते हैं। 20,000 तक डाउन पेमेंट करके इसको घर ले जाया जा सकता है। तो ये मैम ने बहुत अच्छा बताया, सिर्फ 20,000 में भी आप स्कूटर को घर ले जा सकते हो, फाइनेंस कराना करा सकते हो सिर्फ दो डॉक्यूमेंट पे, आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो बहुत अच्छा ऑफर मैम मुझे बता रही है। मैम, अगला रेट ऑफ इंटरेस्ट लोग पूछना चाहते हैं कि कम से कम आप कितना दे सकते हो, कम से कम बताइएगा मैम। कम से कम फिर भी 10% पकड़ के चलिए। ओके, 10% तक मैम इंटरेस्ट रेट आपको लगा देंगी, 20,000 डाउन पेमेंट आपको देना है। मैम, आपने ये तो क्लियर कर दिया। अब हमारा ये डाउट है कि मैम, कितने साल का ईएमआई प्लान आपके पास अवेलेबल है? 1 साल 2 साल या ज्यादा भी अवेलेबल है? मिनिमम 1 ईयर तक होगा। मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 48 मंथ्स तक कर सकते। 48 मंथ तक मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब 12 महीने से लेकर 24 महीने तक सारे प्लान अवेलेबल। यस यस, सारे प्लान थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे क्या? अगर 20,000 पेमेंट करता है कोई तो 12 महीने पे कितना देना पड़ेगा, 18 पे कितना देना पड़ेगा और 48 पे कितना देना पड़ेगा, आप बता पाएंगे क्या कैलकुलेट करके? प्लीज मैम। ओके, 20,000 पे 12 महीने में कितना देना पड़ेगा? ओके, अगर 20,000 डाउन पेमेंट करता है कस्टमर तो 1 ईयर के लिए 9,278 रुपीज, 9,200 के अराउंड आपको ये देना पड़ेगा। yes. सिर्फ 12 महीने के लिए कराता है। ओके, ठीक है। 18 कराता है तो कितना देना पड़ेगा, ईएमआई कितना जाएगा 18 महीने? 18 महीने के लिए 6,700 के करीब पड़ेगा। और 24 महीने के लिए कोई कराता है तो कितना देना पड़ेगा 20,000 देने के बाद? 5,332 देना पड़ेगा 2 साल के लिए। मैम, आगे 36 मंथ, 36 मंथ के लिए 3,906 रुपीज। ओके, 48 मंथ्स के लिए 3,193। ओके, बहुत अच्छा मैम ने बताया। लगभग सिर्फ 3,100 में अगर आपने 20,000 पेमेंट कर दिया तो अगर 48 महीने के लिए आप चाहते हो तो सिर्फ 3,100 के करीब आपको ईएमआई भरना पड़ेगा और 20,000 में आप स्कूटर को ले जा सकते हो। तो मैम ने बहुत अच्छा ऑफर बताया। मैम, आप कुछ ऑफर के बारे में बता रहे थे आप बीच में मुझे। जी, समझो अगर कस्टमर हमारे बैंक से 2 व्हीलर लोन लेता है और उसके जो 9 EMI है विदाउट एनी बाउंसिंग अगर डेबिट होते हैं उसके अकाउंट से, okay. तो हमारे हमारी बैंक कस्टमर को ऑफर करती है, जैसे कि पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, FD वगैरह, ये सारे ऑफर्स कस्टमर को बैंक में मिल सकते हैं। ओके ओके, मैम ने अच्छा एक ऑफर बताया, मुझे बता रही थी एक्चुअली वीडियो के पहले। मैम बताना चाह रही है, अगर आप इसको फाइनेंस कराते हो और अपना ईएमआई टाइम टू टाइम भरते हो तो 9 EMI के बाद आपके बैंक की तरफ से अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। एफडी वगैरह पे, पर्सनल लोन पे भी आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। yes. आपके बैंक में। yes. तो कुछ अच्छा ऑफर है आपको लीक सेट के, अगर आप 2 व्हीलर का लोन कराने आते हो
तो इंक्लूडिंग आपको पर्सनल लोन भी यहाँ पे आपको जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल सकता है। मैम दूसरा चीज, ये सारे जो ऑफर्स बताए हैं, आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, कौन से शोरूम में आना पड़ेगा? जो हमारा बैंक है मेन ब्रांच स्वारगेट में है। अच्छा। और जो मैं जहाँ पे मैं हूँ वो शोरूम जो है केसबी चौक चिंचवड़ में है। शिव सुजुकी चिंचवड़ केसबी चौक। ओके, वैसे एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैम आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है फोन पे भी बात कर सकते हैं? यस कर सकते। ओके, मैम का नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा होगा। ये सारे ऑफर्स आप चाहते हैं तो शिव सुजुकी चिंचवड़ में विजिट कर सकते हैं या मैम को डायरेक्ट कॉल करके भी ये अपनी बुकिंग वगैरह आप करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपने इतने अच्छे ऑफर बताया, थैंक यू हमारे व्यूअर के लिए, थैंक यू मैम। होप सो ये आपको फाइनेंस वीडियो अच्छा लगा होगा, फाइनेंस के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आप इस स्कूटर को फाइनेंस कराना चाहते हो तो शिव सुजुकी में आप विजिट कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जो अपडेटेड मॉडल आया है ये आपको मॉडल कैसा लग रहा है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर दे रखा है आप वहाँ कॉल कर सकते हो या कमेंट में मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।